कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने आगामी त्यौहार मुहर्रम और गणेश चतुर्थी के दृष्टिगत रखते हुए साउथ क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा कोविड-19 के जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराते हुए मुहर्रम और गणेश चतुर्थी त्यौहार पर कोई ताजिया या कोई मूर्ति छोटी हो या बड़ी स्थापित नहीं की जाएगी, कहीं पर भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि धारा 144 लागू है, जो भी नियम का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, देखिए अभी आगे गणेश पूजा है और प्रतिमाओं को स्थापित नहीं करना है, इस संबंध में एक शासनादेश जारी हुआ है उसके अनुपालन के लिए। और मुहर्रम जो आज से शुरू हो रहा है और इस मुहर्रम में ताजियाना रखने के लिए जनसंवाद किया गया है, सभी से बात की गई है और उनको शासन की जो आदेश है उसको बताया गया है। सभी थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग कर ली गई है और SHO SO को ये निर्देशित किया गया है कि इसका कहीं भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, वर्तमान में आपको मालूम है 144 लगा हुआ है, उस पर कार्रवाई होती है। अगर कोई उसका उल्लंघन करेगा तो उस पर जो विधिक कार्रवाई है की जाएगी।